और एकाएक ये सारे पर जो है बुलडोजर चला दिया गया है, जिससे हम लोग बहुत मरमाहत हैं। सारा सामान को लूट लिया नगर निगम, सारा सामान को बिना नोटिस को बुलडोजर चला दिया गया है। मेरे दुकान पे बुलाया गया, तोड़ दो इसको। पटना जंक्शन स्मार्ट सिटी परियोजना का एक भाग है और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इसको विकसित करने का प्रस्ताव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव छत्तीसगढ़, मैं हूँ वसीम खान। महाअतिक्रमण हटाओ अभियान का आज छठा दिन है और पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ की टीम जब स्टेशन के निकट जो ये दूध मंडी है वहाँ पहुँची तो दूध के विक्रेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस और नगर निगम जो अतिक्रमण हटाने आई थी तो उस पर कूड़ा फेंकने का भी प्रयास किया गया। उसको लेकर माहौल को शांत करने के लिए पटना पुलिस के जो जवान यहां पर आए थे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत, उन्होंने लाठियां बरसाई, लाठियां चार्ज की। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, इससे पूर्व में मैं आपको बताते चलूँ, इससे पूर्व में भी जब इस दूध मंडी को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम आई थी तो दूध विक्रेताओं ने पथराव किया था। और इस बार भी जब महाअतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दूध मंडी को तोड़ने के लिए पटना पुलिस और नगर निगम की टीम पहुंची तो लोगों ने विरोध किया, दूध विक्रेताओं ने विरोध किया और विरोध प्रदर्शन को माहौल शांत करने के लिए पटना पुलिस के जवान माहौल को शांत करने के लिए लाठियां चार्ज की उन्होंने। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पटना पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि अभी भी यहाँ की स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है और उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो पटना पुलिस के जवान हैं वो सैकड़ों की संख्या में है और लाठी बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ये जो दूध मंडी है यहाँ पर दूध विक्रेताएँ जो हैं वो यहाँ पर रहते थे और आज जब नगर निगम की टीम महाअतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यहाँ पर पहुँची तो विरोध प्रदर्शन करने लगे और पुलिस के जवानों पर कूड़ा फेंकने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अपने सामान को हटा रहे हैं। हमारा ये सुधा का दुकान था यहाँ पे और ये हमारा पटना नगर निगम से अलाउटमेंट है ऑलरेडी। अच्छा। हमारे पास पेपर है, मैं हर महीने इसका रेंट भी देता हूँ। पटना डेयरी के द्वारा ये यहाँ पर सुधा डेयरी बूथ खोला गया था जिसका हम अधिकृत विक्रेता थे और हमारा रेल टिकट काउंटर भी था जो नागरिक रेल यात्री की सुविधा के लिए रेल टिकट काउंटर खोला गया था रेलवे के द्वारा, वो भी था हमारा। और बिना सूचना के, बगैर किसी खबर के हमको और एकाएक ये सारे पर जो है बुलडोजर चला दिया गया है जिससे हम लोग बहुत मरमाहत हैं, बहुत परेशान हैं। काफ़ी हमारा लाखों का क्षति हुआ है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, आपका जो सुधा का जो दुकान था उसे परमिट मिला हुआ? हाँ, सारा परमिशन है, मेरे पास पेपर है, हर चीज़ का पेपर है मेरे पास। लेकिन हमसे कोई पेपर की भी मांग नहीं की गई, ना हमको कोई सूचना दिया गया, ना कोई खबर किया गया। और एकाएक हमारे सारे बुलडोजर चला दिया गया, हमारा 4-5 कंप्यूटर सिस्टम था वो सब मेरा बर्बाद चला गया, 5-6 हमारे डिफ्रीजर थे सारे को चूर दिया गया, सब में हमारा प्रोडक्ट लाखों का भरा हुआ था वो सारे को चूर दिया गया, लुटा गया, खा गया। हमारा जितना भी सुधा का प्रोडक्ट था सारा पुलिस नगर निगम के लोग जो है निगम का सारा कर्मी लोग के खा गया, खा गया। इतना अन्याय हुआ, बोला माना कि तो मरबो किया नगर निगम, सारा सामान को लूट लिया नगर निगम, सारा सामान को बिना नोटिस को बुलडोजर चला दिया गया मेरे दुकान पे, बुलाया गया तोड़ दो इसको। इस चीज का दुकान था आपका? ये सुधा डेयरी और टिकट काउंटर। क्या प्रशासन पे ये जो आरोप लगा रहे हैं कि खा गया, क्या अगर सारा सामान प्रशासन हमारे सुधा का जितना भी प्रोडक्ट था, आइसक्रीम था, पनीर था और मिठाई था, पेड़ा था, पानी था, सब लूट के खा गए। जितने भी प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, नगर निगम के लोग हैं, सारे लोग लूट के खा गए। मैं अपने आंखों से देखता रहा और कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने बताई कि ये जो सुधा का दुकान है ये परमिटेड है, पेपर है हमारे? सुनी ही नहीं मैडम, सुनी ही नहीं। मैंने बताया लेकिन मैडम जो है डिप्टी कमिश्नर साहिबा उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, उन्होंने डायरेक्ट बोला गाड़ी चला दो, बुलडोजर चला दो, उन्होंने तो पेपर तक भी नहीं मारा, साफ कर दो।
कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका ये भी कहना है कि उनकी जो दुकानें थी उन्हें परमिशन मिला हुआ था, परमिटेड थी, पेपर था उनके पास, पर फिर भी जेसीबी चला दिया गया, इनका ये भी आरोप है। प्रशासन द्वारा पटना के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के संबंध में मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत वैसे स्थानों को और वैसे अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है जो काफ़ी लंबे समय से मौजूद हैं अतिक्रमण, और जिनके चलते पटना शहर की यातायात व्यवस्था में काफ़ी कठिनाई होती है और लोगों को काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में चूँकि यह पटना जंक्शन स्मार्ट सिटी परियोजना का एक भाग है और स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत इसको विकसित करने का प्रस्ताव है और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण किए जाने की सूचना संबंधित अंचल पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी द्वारा दी गई थी, इसके आलोक में आज जिला प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमित संरचना को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की गई है। बहरहाल लाइव सिटी तमाम दृश्य आपको लगातार अपडेट रखता रहेगा, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।